स्टूडेंट तो कैसे हैं आप देख रहे हैं अलकलम एजुकेशनल चैनल, यू आर वाचिंग अलकलम एजुकेशनल चैनल। कल हमने वीडियो बनाई थी जिसमें हमने डेप्रिसिएशन को क्या कर दिया था, वाइंड अप कर दिया था, ठीक है। और आपको ये बताया था कि जो सवाल एक जैसे हैं वो हमने नहीं करवाए, वो आप लोगों ने क्या करना है, उसको हल करने की कोशिश करनी है। अगर तो सवाल नहीं निकलते तो आपने कमेंट्स में करना है कि ये हमारा सवाल नंबर नहीं करा, तो काइंडली इसको आप सॉल्व कर दें, तो उसकी वीडियो बना के आपको पेश कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि जितना मैंने समझाया आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड है, बहुत ही ईजी है, आसान तरीके से समझाया आपको। तो आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि हर चैप्टर के अख्ताम पर आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, और साथ असाइनमेंट मिलेगी। असाइनमेंट का तरीका क्या है, आप लोगों ने सिर्फ सवाल को हल करना और हमें उसका आंसर भेजना है, हम आपको बताएंगे। क्योंकि आंसर गलत होगा तो पता चलेगा कि आपको खुद पता चलेगा कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, ठीक है। या आप पे करें उसकी स्क्रीन शॉट लेके हमारी ई मेल आई डी पर हमें सेंड करते हैं, वो नीचे लिखी होती है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कौन से हैं, तो आप साथ साथ तार लें, ये रहे हम आप किस किसी क्या लिख रहे हैं, क्योंकि वो जो आपके पास बुक्स पढ़ी है ना, वो उसमें से आप याद कर सकते हैं। सैयद अफजल की बुक से याद कर सकते हैं, ठीक है, गली की बुक से याद कर सकते हैं, पास्ट पेपर से याद कर सकते हैं, जहाँ मर्जी से याद कर लें। उसके बाद है वेयर एंड टेयर, ये सारे अहम क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर से आते हैं, डेप्रिसिएशन, वेयर एंड टेयर। उसके बाद है स्क्रैप वैल्यू, ठीक, फॉर आपका क्या है अमोर्टाइजेशन, क्या वर्ड है अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन अब क्या चीज़ होती है ये भी आप देख लें, जिसमें आप एक ख़ास तरीके से अमल होता है आपका डेप्रिसिएशन का, वो चीज़ें जो कि आपको आपकी कारकर्दगी पे असर डालती है, जैसे कि नज़र नहीं आती, जैसे कि गुडविल हो गया, गुडविल मैंने आपको बताया ना साख को कहते हैं, यानी कोई नाम बन गया। अब पंजाब ग्रुप कॉलेज का आप नाम ले लें, ठीक है, उसका एक नाम बना हुआ, स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ने भी जाते हैं कि उसका एक नाम बना हुआ। अब ऐसा नहीं है कि वहाँ पर स्टूडेंट फेल नहीं होते, वहाँ भी स्टूडेंट फेल होते हैं, लेकिन सिर्फ एक ब्रांड जिसे आप कहते हैं ना, तो आप उसमें अगर खामियाँ भी होगी तो वो लोग नहीं देखेंगे क्योंकि एक नाम बन चुका है। तो अमोर्टाइजेशन भी इसी को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फोर ये हो गया, फाइव आपका आ गया है डिप्लेशन, अब ये क्या होता है, डिप्लेशन होता है कुदरती ज़राए का इस्तेमाल हो जाने की वजह से खर्च होने की पैमाइश को उसको रिकॉर्ड करना, कि कुदरती ज़राए में आपके पास क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज आती है, जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने के बाद उसकी पैमाइश करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, वो आपका क्या आता है, वो डिप्लेशन में आता है। इसके साथ साथ एग्जाम्पल भी देते चले, जैसे कि जंगलात हो गया, अब जंगलात आपको पता है कि उसमें जो पौधे वगैरह उगते हैं वो खुद से खुद उग जाते हैं, यानी कुदरती तौर पर, ठीक है। खुदाई करना, कानकनी, अब कानकनी जो कि बनी होती है, जिसमें अब मादियत वगैरह आपकी ज़मीन के अंदर होती है, लोग क्या करते हैं उसकी खुदाई करते हैं, और खुदाई करने के बाद उसको रिकॉर्ड करते हैं, यानी बीच में खुदाई क्यों करते हैं आप, खुदाई नीचे जो नेचुरल रिसोर्सेज अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं उसकी चीज़ को निकालने के लिए बाहर, फिर इसको निकालने के बाद उसको क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग करने का जो सारा अमल होता है उसको आप डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है। साथ साथ इसलिए बता देंगे, अगर स्टूडेंट को समझ नहीं आई तो क्लियर कर दिया आपको, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास सिक्स, सिक्स पे आपके पास आता है अब्सोलेंसिस, अब्सोलेंसिस। अब देखिए अब्सोलेंसिस क्या होता है, अब देखें आपने कोई चीज़ स्टार्ट की है मार्केट में, या आपका क्योंकि हम डेप्रिसिएशन का पढ़ रहे हैं तो डेप्रिसिएशन के हिसाब से बताएंगे कि आपने अगर अपने कारोबार में चीज़ लगाई है, ठीक है, लेकिन हुआ क्या है कि चले एक एग्जाम्पल छोटी सी देते हैं, मैंने एक मशीन ली है, वो क्या है कढ़ाई करने वाली, वो मशीन मैंने ले ली है, उसको मैंने रख लिया, ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि ट्रेंड ख़त्म हो गया, जो कढ़ाई करते हैं मशीन उसका ट्रेंड ख़त्म हो गया, ट्रेंड इसलिए ख़त्म हो गया क्योंकि लोगों ने कोई नया फैशन अपना लिया, उनका टेस्ट चेंज हो गया, वो कहते हैं कि जी अब हमने कढ़ाई वाली कमीज नहीं पहने, हमने सादा जो है लॉन वाले जो है प्रिंटेड सूट पहने। तो ज़ाहिर है जब लोग की क्या है डिमांड कम हो जाएगी तो मैंने जो मशीन ख़रीदी है उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो जब लोगों के आदत, लोगों की सोच, लोगों के टेस्ट में तब्दीली हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं अब्सोलेंसिस कहते हैं, ठीक है। ये आपको आराम से इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी, इसलिए मैंने साथ साथ बता दिया आपको, एक दफ़ा फिर बता देते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन आ जाती है, वेयर एंड टेयर की आती है, स्क्रैप वैल्यू की आ जाती है, अमोर्टाइजेशन की आ जाती है, ठीक है, डिप्रेशन की आ जाती है, अब्सोलेंसिस की भी आ जाती है, ठीक है। ये टोटल आपके पास कितने हो गए, सिक्स हो गए, सिक्स हो गए। अब अगला चलते हैं, बहुत आसान है, आपकी बुक्स में मिल जाएंगे, अक्सर स्टूडेंट्स उर्दू में याद करते हैं,
लेकिन मेरा आपको सजेशन यही है कि इसको इंग्लिश में याद करें आप. सातवां, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन की वजह बताने की किस किस वजह से होती है, वही वेयर एंड टेयर सबसे पहले है. वक्त गुजरने के साथ साथ क्या होता है कि वैल्यू कम हो जाए. सिंपल सी बात है, आपने अभी जो है ना क्या है मोबाइल नया खरीदा है, आप दुकान से बाहर आ गए और ठीक है आपकी पसंद नहीं है, आप वापस चले गए, तो उसने 25% आपकी कटौती कर दी. क्यों? क्योंकि ये चीज़ें मेटल है, मेटल को जब आप हाथ में पकड़ते हैं तो वो घस जाती है, और घस जाने से क्या होती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है. आठवें पे आ जाएँ, फ्लक्चुएशन उतार चढ़ाओ. ठीक है, अब देखें ना, अगर मैंने कोई मशीन फ्रिज लिया है या कोई ट्रक लिया है, उसकी वैल्यू सेम तो नहीं रहेगी, वैल्यू उसकी कम या ज़्यादा होती रहती है. ठीक है, मार्केट के हिसाब से, तो फ्लक्चुएशन उतार चढ़ाव को कहते हैं. नौवां आपके पास आता है टेंजिबल एसेट. टेंजिबल एसेट्स, अगर आप लोगों ने आईकॉम पार्ट वन की अकाउंटिंग पढ़ी है तो पता ही होगा कि टेंजिबल एसेट्स वो एसेट होते हैं जो कि वजूद रखते हैं, उनको आप देख सकते हैं, जैसे कि प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, ये सारे टेंजिबल एसेट में होते हैं. दसवें पे आ जाए, इनटेंजिबल एसेट, जिनको आप देख नहीं सकते. अभी पहले पीछे हमने पढ़ा है, जैसे कि गुडविल हो गया, रजिस्ट्री हो गई है, ट्रेडमार्क हो गया, ये एक सिर्फ नाम है ब्रांड के. ठीक है, लेकिन अगर आपसे ये कह दिया जाए कि मुझे गुडविल कैसे है, क्या नाम पे दिखा दें, तो वो आप दिखा नहीं सकते हैं. ठीक है, उसके बाद है ग्यारहवें में डिमिशनिंग बैलेंस मेथड, और बारहवें में आपके पास है स्ट्रेट लाइन मेथड. ठीक है, एक दफ़ा भी बता देते हैं, ये जी कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, फ्लक्चुएशन, टेंजिबल एसेट्स हैं. ठीक है, उसके बाद है इनटेंजिबल एसेट्स हैं, डिमिशनिंग बैलेंस मेथड है, और उसके बाद है स्ट्रेट लाइन मेथड है. ठीक है, तो ये 12 शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में आते भी हैं. तो आप लोगों ने क्या करना है, इसकी तैयारी कर लेनी है. और जहाँ तक MCQs की बात है, MCQs का मैं पहले बता दूँ आपको कि अगर आपका चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर होना तो वो खैर अब आप ना भी याद करें तो भी हो जाएगा, लेकिन वो बुक से भी कर लेंगे क्योंकि बुक से ही आते हैं ज़्यादातर. ठीक है, तो यहाँ तक आपका डेप्रिसिएशन का चैप्टर जो है क्लियर हो गया है. अब हम आपको दे रहे हैं एक असाइनमेंट है, आप लोगों ने क्या करना है, इस असाइनमेंट को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के साथ फिर आपने हमें बताना है ताकि मुझे भी पता चले कि जो समझाया है वो आपकी समझ आ गई है कि नहीं आ रही है. ठीक है, तो असाइनमेंट की तरफ आते हैं. ये जी असाइनमेंट, ठीक है, किसकी है ये, आपकी डेप्रिसिएशन की है. ऑन 1st January, अगर आप लोगों ने सवाल कर लिया इसका मतलब है कि आपको समझ आ गई है मेरी. ठीक है, यही देखना चाहते हैं हम. मशीन फॉर रुपीस 82, अच्छा अगर हम वाजिया कर देते हैं क्योंकि पास का स्टूडेंट को ना वाजिया नहीं होता तो फिर वो कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही. इसे जो चीज़ समझ नहीं आए उसे कमेंट लाजमी करें, हमारा ईमेल आईडी भी नीचे है उस पर आप कर सकते हैं. इट्स क्योंकि आप सवाल करेंगे तो पता चलेगा ना. ठीक है, ये बता दें क्योंकि आपको 8000 लिखे, ये 5000 लिखा हुआ है एस्टिमेटेड. अगर आप इस सवाल हल कर लिए इसका मतलब है आपको अच्छी समझ आ गई है. अभी आपको सवाल पढ़ के भी दिखाएंगे. बहुत इजी है, इसमें सवाल एक आ ही जाता आपका. एक मिनट, ये इसलिए लिखे दिखा रहे हैं कि पास स्टूडेंट के पास नहीं भी होता, वो इस तरह इसको दे के कर लेगा और करके हमें बता देगा, हाँ बच जा देगा, उसको समझ आ गई है. इसमें सिर्फ मेन चीज़ है ना, एक तरीके पता है जी और मेथड के नाम. चलिए जी, अब आपको बताते हैं ताकि आपको समझ आ जाए
कि असाइनमेंट आपने कैसे करनी है. जो भी असाइनमेंट दिए कोशिश करें उसको सॉल्व किया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है. देखें साथ साथ बताते हैं आपको क्या लिखा हुआ है. ऑन 1st January 2002 ठीक है. बॉल इसलिए ताकि वर्ड की समझ आए तो ये मिस्टर अकरम नाम है. परचेज अ मशीन ठीक है. ₹82,000 की मशीन खरीदी उसने एंड पेड फॉर इट्स इरेक्शन ठीक है. इरेक्शन मैंने बताया था कि उसको नसब करने का खर्चा जो आया है वो कितना आया है. वो 5,000 है ठीक है. मैंने आपको ये अभी कल क्वेश्चन करवाया आप अगर इसको देख लें आपको समझ आ जाएगी. एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन इज 10 ईयर्स. मशीन तकरीबन 10 साल इस्तेमाल हुई है ठीक है. कितने साल इस्तेमाल हुई है 10 साल इस्तेमाल हुई है. साथ साथ इसलिए बताएं कि आपको ईजी हो जाए. उसके बाद है कि आफ्टर बिल जो है स्क्रैप वैल्यू विल बी जो है 7,000 ओनली. स्क्रैप वैल्यू इसकी कितनी बन जाएगी 7,000 की बन जाएगी. अच्छा उसके बाद है फाइंड आउट एनुअल डेप्रिसिएशन अंडर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड ठीक है. फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड एंड प्रिपेयर 1st 4 ईयर्स. अब देखिए कौन सा मेथड उसने बताया ये मैंने नहीं बताना ये आप खुद गैस करेंगे. मेथड उसने बता भी दिया और आपसे कह दिया कि आपने 1st 4 साल का अकाउंट बनाना है. तो क्वेश्चन मैंने इजी से पढ़ दिया आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी. इसलिए पढ़ दिया ताकि किसी को समझ ना आ रही हो तो उसको पता चल जाए. आप लोगों ने क्या करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. सॉल्व करने के बाद हमें कमेंट करना है कि हमारा आंसर ये आ रहा है ठीक है. या हमारी ईमेल आईडी पे या हमारा फेसबुक पे ठीक है. देखें ये चैनल के नीचे ना वो लाइक का निशान बना होता है. अगर आप लाइक कर देंगे तो उसके पैसे तो लगने नहीं. हमें ये तो पता चलेगा ना कि आपको हमारी समझ आ रही है तो लाइक कर दिया करें. अपने दोस्तों से भी कह दिया करें. इसमें कोई बुराई बात नहीं थोड़ा सा दिल बड़ा कर लें ठीक है. तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें. लाइक करने के साथ इसको सब्सक्राइब भी करें. सब्सक्राइब करने के साथ नीचे बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि जब भी कभी नई वीडियो आए तो आपको इसकी अपडेट्स मिल सके. और एक चीज़ क्या करनी है आपके दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ठीक है. अब जैसे आप ये चैनल देख रहे हैं आपको समझ आ रही है तो आप लोगों ने क्या करना है कि उसे अपने दोस्तों में शेयर करें. हो सकता है कि उसको भी कोई समझ ना आ रही हो तो ये लेक्चर जाने से उसको भी समझ आ जाए और वो भी इम्तिहान में कामयाब हो जाए. तो अच्छा काम करें अच्छा गाइडेंस करें चीज़ों को फैलाएं. जो चीज़ आपको अच्छी लगे उसे दूसरे लोगों तक पहुँचाएं. तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ.